प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर आमान परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल खंड, नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, विद्युतीकृत रेल खंड तथा नए स्टेशन भवनों की उद्घाटन पट्टिकाओं का अनावरण करें। हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाया और उद्घाटन पट्टिकाओं का अनावरण हुआ। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः सादर अनुरोध है कि हरी झंडी दिखाकर 8 नई ट्रेनों का शुभारंभ करें। ये ट्रेनें हैं वाराणसी जंक्शन केवड़िया एक्सप्रेस, दादर केवड़िया एक्सप्रेस, केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस, केवड़िया एक्सप्रेस, दीवा केवड़िया एक्सप्रेस, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, प्रतापनगर केवड़िया मेमू तथा केवड़िया प्रतापनगर मेमू। सफर पर अपने रवाना हो रहे हैं ट्रेनिंग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर आज यहां दिख रही है। आज इस कार्यक्रम का रूप स्वरूप बहुत विशाल है, अपने आप में ऐतिहासिक है। केवड़िया में गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी उपस्थित हैं, प्रतापनगर में गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, अहमदाबाद से गुजरात के डिप्यूटी सीएम नितिन पटेल जी, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के रीवा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाई उद्धव ठाकरे जी भी उपस्थित हैं, वाराणसी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके अलावा तमिलनाडु समेत अन्य राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण भी आज इस विशाल कार्यक्रम में हमारे साथ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आणंद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बृहद परिवार के अनेक सदस्य भी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आज कला जगत के अनेक वरिष्ठ कलाकार, खेल जगत के अनेक सितारे, वे भी बहुत बड़ी मात्रा में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और इन सभी के साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए ईश्वर का स्वरूप जैसे हमारी जनता जनार्दन, हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे सभी भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है,
इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है।